मम्मी अच्छी लगेगी। बस बस मम्मी वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, दिस इज मी ज़ुबी पॉश। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज मैं फाइनली मेरा ईद का ड्रेस वेयर कर ली। थर्ड डे ऑफ ईद तिरवासित को ही मैंने पहनी और बहुत प्यारा लग रहा है। लिटरली मैं खुद देखती रह गई। टेलर ने सिया था बहुत बेकार, जैसी एक्सपेक्टेशन थी वैसा नहीं सिया था, बच्चा टाइप सी लिया था। मेरे को जैसा लगाना था नेट वेड एंड ऑल लेस पूरी उल्टा ही सी लिया था। सो अभी परफेक्ट किया और मैंने खुद अभी वेयर की हूँ। सो मैं अभी दिखाऊंगी मेरे मिरर में खड़े रह के। और ईद मुबारक सभी को मेरी फैमिली की तरफ से, ज़ुबी पॉश फैमिली की तरफ से। है मेरा ईद का आउटफिट जो मैंने पूरा पैटर्न बताई डिज़ाइन टेलर को और उन्होंने सी के दिया मुझे। और यही बेकार कर दिया था, जो नेट लगाई हो ना उन्होंने इतनी इतनी सी नेट लगाया था नीचे, बट मैंने उसको यहाँ से बोली थी नेट लगाने, बट उन्होंने लगाया था यहाँ से। सो लाइक दामन पे लगाया था, बट मैंने उसको बोली थी कि यहाँ घुटने पे लगाना है। तो पूरा ब्रॉश कैसा लगा दिया था, लेस कैसी लगाया था और पूरा टाइट सिया था, पूरा शोल्डर से टाइट था। मेरे को आ रहा भी नहीं था ये, तो पूरा ढीला किया तो आया मुझे। तो जब भी थोड़ा मैंने जैकेट उसको टाइप बोली थी तो प्रॉपर दिखे, बट जब भी ऐसा हो रहा है छोड़ो। खैर जो भी है कैसा भी है अच्छा लग गया एंड ऑफ द डे मुझे। सो गाइस हम अभी उक्का लगाए, जैसे अभी चालू किए फ्लो नहीं आ रहा है। हमारा हुक्का तो बनता ही है हर जगह और हर फेस्टिवल में, लाइक ईद हो गए या हम बाहर गए लोनावला खंडाला महाबलेश्वर या किस दर भी गए, हमारे को हुक्का चाहिए ही घर में। हमारे घर में सब पीते हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ईद अच्छी गई। अब फाइनली ईद बनी, मैंने ड्रेस वेयर की तो सर लगा कि ईद, पता है ईद अपनों से बनती है, बट एक रहता है ना कि मैंने कभी लाइफ में ऐसा ईद के दिन ईद का ड्रेस पहनी, बट फर्स्ट टाइम मैंने तिरवासित को पहनी मेरा ड्रेस। होते रहता है लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते रहते। जो भी इनाया क्या खा रही है फूका के पता, च्युइंगम खा रही है। तो तेरा जैसा टाइम लगेगा, तेरा जैसा फेस है ना वैसा गोल चबाने में थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा अरे इसको आता नहीं है गाइस, चबा के बता। चल चल ये तारक मेहता के अलावा देख तू क्या है। हाँ नूरन से ट्राई कर रही है, नूरन फील कर रही है। चलो बाय बाय जा रहे, बाय बाय टाटा जा रहे। थक गई है फिर कैसा बनाई देखते हो। नूरन सिखा रही है मेरे को आता है बबल बनाने। टूट जाएगा जीगम को पूरा सॉल्व करना चाहिए और पतला करना चाहिए। अच्छा गाइस सुन रहे हैं ना, ऐसे ही आप ट्रिक आजमाना जिसको नहीं आता है बबल फुगाने। का ड्रेस चेंज करके जस्ट फ्रेश हुई, बिकॉज पूरा दिन मैं थक गई थी, दावतें थी, बट मैं दावतें की शूट नहीं कर पाई। खाली मैं घर आके सब शूट की। अब मम्मी रात के बज रहे हैं 10 और हमारे को लगी है भूख, बिकॉज आज खाना नहीं बनाया था, दोपहर का सब दावत का ही खाना था। फिर रात में क्या बनावे टेंशन हो गई थी। उससे पहले बासित में हम गए थे रेस्टोरेंट अरेबियन रेस्टोरेंट, तो उधर मच्छी बहुत अच्छी बनी हुई थी, तो मम्मी सेम अभी मच्छी बना रहे तिरवासित के दिन, बिकॉज आज तिरवासित है। तो मैं बताती हूँ अभी क्या करे है। एग्जैक्टली हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, कितना डालना है इस पे, 2 पावला तेल डाले। मस्का पहले क्यों नहीं डाले कि जल नहीं जा रहे, इसके बाद मस्का डाले। हाँ। इस वजह से 1 चम्मच हाँ। मस्का हाँ। देखो तो गाइस ऐसा मस्का तेल गर्म होता है, इस वजह से रीजन की वजह से हमने पहले तेल डाले फिर मस्का डाले, तो दोनों मिक्स मिक्स हो जाना चाहिए, मिक्स हो जाना चाहिए तो मस्का जल जाता है।
ये तो अच्छा फ्रिज से हो गया पूरा कड़क कड़क हो गया ना। इतनी बड़ी डालोगे मम्मी? हाँ, इतने से तेल में होगा? हो जाएगा, उसको चिपकना चाहिए बिल्कुल। इसके ऊपर मसाला भी तो जाएगा ना? वो यहाँ तैयारी कर रहे फिश की। ओवन में फिश बनाएंगे और गैस पे चिकन बना रहे। ये होगा ओवन में? अभी डो नहीं आएगी? नहीं नहीं डो नहीं आएगी, मेरे को भी खुद को पता है। अरे तो फिलो कर दे। ओवन में स्मेल आ जाएगी फिश की। बंद कर दो। तो गाइस अभी चिकन मम्मा ने यहाँ रख चुके हैं और ओवन में फिश रख चुके हैं। इसको स्लो पे रख दो मम्मा। स्लो पे ही है। पूरी मस्के की खुशबू आ रही है मलाई वलाई की। सब मलाई ये सब इसके में सब डाले। क्रीम मलाई मस्का दोनों आए। तो गाइस पक के अभी ये चिकन की ये हालत ये औरत ने कर दी है। अच्छा तो मसाला पूरा चूस लिया चिकन ने। नहीं, अभी है, अभी और तेल भी चूस लिया उन्होंने। तो अभी ओवन में डालेगी मम्मा? दो पाँच मिनट के लिए ओवन में डालेगी। पाँच मिनट के लिए एक नंबर बनेंगे। अभी अंदर से पकी पूरी रमजान चिकन खा के भी ये लास्ट चिकन खाने की थी। ईद में भी तुमने छोड़े नहीं मम्मी रेसिपी बनाना। इसको साथ में जाएंगे तो काम आ जाएगा। यही तो वीडियो देख देख के बनाऊंगी। क्या चाहिए खाली बोलो, रेसिपी खाली सर्च करना बस मेरे यूट्यूब चैनल। बाकी कुछ समझ में नहीं आया तो क्या करेगी? माँ जिंदाबाद। नंबर 9920 दिस मर गई तो क्या करेगी? फजिला दी जिंदाबाद। हाँ। और बहन जिंदाबाद। दोनों को कॉल लगाऊंगी। दैट्स इट। बट इतना तो पता है रेसिपी में समझ आ जाएगा बिकॉज वीडियो शूट करने वाली मैं ही हूँ। सो अंदाजा तो है कितना क्या डाल रहे हो। तो सेकंड चिकन मम्मी डाल रहे तेल के बाद मस्का डाले और ये रेडी हो चुकी है। उसको ओवन में डालेंगे और यहाँ मच्छी हमारी हो रही है 6 सेकेंड बाकी है। 5 4 3 2 1 खोलती मैं खुलती। खुशबू खुशबू आ रही है। अजला दी इसकी हालत तो देखो छोटी वाली की। बच्चा था ना उसका। बच्चे की बच्चे की हालत तो देखो पूरी टूट गई बच्ची। माँ गर्म है बहुत। वो ओवन का था ना अपने पास? मम्मी मसोटा दो ना। वो ओवन की प्लेट हाथ का पहनने का ग्लोव्स है ना। थोड़ा आगे करो आगे करो। इसको ऊपर थोड़ा सब डेकोरेट करते। बट बच्चा पूरा खराब हो गया फजीला दी चूस गया। बच्चा बच्चा होता है। माँ माँ होती है लाइक यू। पब्लिक बोले अब इसको चिकन रख दो रमजान में। अभी नहीं अभी नहीं दोनों साथ में रखेंगे। अच्छा साथ में रखेंगे। अभी इसके ऊपर और डेकोरेशन। वही पब्लिक बोलेगी रमजान में कम खाए अभी भी ईद में खा रहे बैठ के। तो क्या वो खाएगी ना? माशाल्लाह तबीयत में मजा नहीं थी तो बेटा बनाया नहीं थी। ये इसको ढकते नहीं गाइस? हां तो जरा फास्ट फास्ट होंगे। ओके ओके ये ट्रिक है। सो गाइस अभी मम्मी मस्के का बघार कर रहे। 1 चम्मच स्पून मस्का डाले थे। पूरा मस्के का ही फिर टेस्ट आएगा मम्मी। अच्छी लगेगी। बस बस मम्मी इसके मस्त है। और वहाँ क्या चल रहा है? झींगा ना मच्छी के साथ झींगा भी हमने मिक्स किए थे मसाले में। सो वहाँ झींगा चल रहे। फिर झींगा भी इसके साथ रख देगा ओवन में। झींगा भी रख देना मैं तो कह रही हूँ। थोड़ा वो भी हो जाएगा अच्छा कड़क कड़क हो गया कड़क। हमने चिकन के लिए चटनी भी बनाए थे। चिकन के साथ खाने के लिए खबूज की रोटी देन फिश मम्मा सबको डाल रहे थे। काफ़ी यम्मी था।
सो गाइस जस्ट अभी खाना खा के उठे, खाना बहुत बहुत मस्त था। आप सब लोग भी ट्राई करना ये अपने घर पे, और अपने हस्बैंड भाई भाभी एंड बहन भाई मामा मामी चाचा चाची को खिलाना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी बनी थी। और इट्स डेडिकेट टू माय मामा एंड माय भाभी, थैंक यू सो मच, बहुत काफ़ी अच्छा खाना था। और फिश हम ओवन में बनाए थे और चिकन हम गैस पे बनाए थे। सो आप लोग को जैसा ठीक लगे आप लोग जैसा भी बना सकते हो। फिश सेक भी सेक तो नहीं सकते हैं बिकॉज गैस में कैसा सेकेंगे, आपके पास लाइक वो होगा सेकने का लाइक बारबेक्यू नेशन, आप उसमें सेक सकते हो। हमारे पास तो वो टाइम पे रेडी नहीं था वो सब कुछ, तो हमने मच्छी ओवन में सेके और फिर तले चिकन गैस पे। सो आप तल भी सकते हो मच्छी को, पर तलने के बाद कुछ बहुत वैसा टेस्ट आ जाता है। देख सो हमने ये टाइम पे मच्छी फिश हमने ओवन में करे हैं। और मैंने बाय द वे और एक चीज़ नहीं बता पाई, खबूस की रोटी जो शावरमा खाते हैं मुस्लिम, सो हम उसको थोड़ा सेकते भी है गैस पे, लिटिल बिट थोड़ा सेकते, जैसा शावरमा वाले लोग सेकते थे वैसा सेक के हम खाए। ऐसा कच्चा खाओगे ना विदाउट सेका हुआ तो बहुत गंदा टेस्ट आएगा, आई स्वेयर। सो वो मत करना, अब थोड़ा सेक के खाना। क्यों शावरमा वाले लोग क्यों सेक के देते, बिकॉज इसमें कुछ अलग ही टेस्ट आ जाता है। इसके लिए आप सब लोग भी सीख के खाना तो ट्राई। सो गाइस इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, लव यू ऑल। बाय द वे ईगो बाय द, चलो अब ईद खत्म हुई, बाय बाय बैक टू रियलिटी।